हेलो गाइस, मैं प्रियंका हूँ और आज का एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मुझे मिला, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। दी आई लव योर वीडियोस एंड आई रियली वांट टू नो कि एक इंटरव्यू फेस करने के लिए जाने के पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मेरा बहुत ही जल्दी एक इंटरव्यू आ रहा है जिस जॉब के लिए मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी, तो क्या आप बता सकते हो मैं किस तरह से इसके लिए प्रिपेयर करूं? थैंक यू। तो एक इंटरव्यू जो होता है वो क्यों लिया जाता है, पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। कोई भी कंपनी इंटरव्यू क्यों कंडक्ट करती है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि उनको कुछ लोगों की जरूरत है और जो आ जाए उसको भर लिया, या जिसके ज्यादा मार्क्स हैं वो बहुत अच्छा है एंड लेट्स गो अहेड विद दैट। नो, एक इंटरव्यू जो होता है वो ये दिखाता है कंपनी को कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं आपको उसके बारे में कितना ज्ञान है। प्लस वो आपकी इंटीग्रिटी देखते हैं, वो ये देखते हैं कि क्या आप उनकी कंपनी के लिए एक अच्छे एम्प्लॉय साबित होंगे कि नहीं। और ये सब जानने के लिए जब एक इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी निर्भर करती हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल योर स्टडीज दैट यू हैव डन। तो सबसे पहली चीज़ तो आई कॉन्टैक्ट, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटरव्यूअर के साथ आई कॉन्टैक्ट रखें। अगर तीन या चार लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो जो भी बोल रहा है उनकी आँखों में आपको आँखें डाल के रखनी है। जो लाई कर रहे होते हैं, जो झूठ बोल रहे होते हैं, दे विल लुक अप लुक डाउन, लेकिन जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं इसका मतलब लोगों को जनरली ये फीलिंग आती है ही और शी हैज कॉन्फिडेंस, तो इसीलिए आंखों में देख के बात करना है। सेकेंडली, आप किस तरह से अपने हाथों का उपयोग करते हैं अपनी बातों को प्रॉपरली लोगों को समझाने के लिए। तो अगर आप एनिमेटेड हैं तो आप मतलब खुल के बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आप रुक रुक के बोलते हैं अपनी बात या एक फ्लो में बोलते हैं बिना ज़्यादा सोच विचार के, ये भी आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है अपने ऊपर और अपनी स्किल के ऊपर। तो इसीलिए रुक के बात नहीं करनी है, पूरे फ्लो के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, आखिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है ना। तो इसीलिए पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, आंखों में आंखें डाल के बात करिए और मन में ये विश्वास रखिए कि जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी स्किल है वो पर्याप्त है। यू आर एक्चुअली डूइंग देम अ फेवर इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर देयर कंपनी। तो जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ में जाएंगे अंदर इंटरव्यू के लिए, वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक्सूड करेगा आपके अंदर से और लोग जो है वो अचंभित रहेंगे कि वाओ ये बंदा जो है इसमें कुछ तो बात है। और ये ही कॉन्फिडेंस जो है मे बी आपको एक जॉब दिलाने में कारगर हो जाए। आई रियली विश द बेस्ट फॉर यू एंड आई होप कि आपको ये जॉब मिल जाए। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज। एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इसी तरह के, प्लीज मुझे लिख के भेजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। सो अंटिल वी मीट अगेन, नमस्ते, अपना ख्याल रखिए, बाय।